नमस्कार, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। आप हो हनीशा वर्मा के साथ आपके अपने चैनल हनी एंड टेक पे। सो आज मैं आपको रेड रूम के बारे में बताने जाने वाली हूँ। रेड रूम ये डार्क वेब का एक हिस्सा है जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। पर बिफोर मैं आपको ये रेड रूम के बारे में बताऊँ, मैं आपको एक यूट्यूब का वीडियो बताने जाने वाली हूँ जिसमें कुछ अनाउंसमेंट, जिसमें कुछ बताया गया है, और इसीलिए मैं रेड रूम के बारे में आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ देखिए ये वीडियो। वैसे एक बात बताऊं आपको पुनीत भाई, एक आपको बताऊं, आपके परम मित्र शाहरुख खान साहब ने सुशांत सिंह राजपूत का लाइव टेलीकास्ट देखा था मर्डर। क्या, कौन सा भाई? विपुल भाई, शाहरुख खान साहब ने आपके पुराने मित्र है। अरे काय के मित्र, सब गाली मत दो मित्रता पे आप विपुल भाई, प्लीज यार। उन्होंने अपने घर में बैठ के बांद्रा वाले बाले के अंदर बैंड स्टैंड वाले घर की बालकनी में खड़े होके सुशांत सिंह राजपूत का लाइव टेलीकास्ट देखा था मौत का। क्या बोल रहे हैं, मेरे को नहीं, वाकई वाकई विस्तारित बताइए प्लीज, कैन यू टॉक डिटेल विपुल भाई। सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर का लाइव टेलीकास्ट डार्क वेब पे हुआ था। क्या बात, और उसकी एक लाइन मातोश्री गई थी, मातोश्री से कई एक्टर्स के पास गई थी, दो के नाम मैंने आज बता दिए, अक्षय कुमार और शाहरुख खान। सो आपने देख लिया, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, ये कितना फैक्ट है जो ये बता रहे विभोर आनंद जी की SSR की जो डेथ है वो शाहरुख खान ने लाइव टेलीकास्ट अपने बंगले में बैठ के देखा है। ये है फैक्ट्स, कितना ये बात कितनी सच है ये हमें नहीं पता, ये तो CBI ही बताएगी। बट अगर किसी ने रेड रूम का इस्तेमाल किया है, ओके, तो इस तरह से डार्क वेब में उसको टेलीकास्ट किया जाता है, क्या होता है डार्क वेब का ये रेड रूम, किस तरह से ये काम करता है, और ये रेड रूम के अंदर जाना ये इल्लीगल है। तो सबसे पहले रेड रूम क्या है? रेड रूम डार्क वेब का वो हिस्सा है, ये एक्चुअली रेड कलर का नहीं होता है। यहाँ पे इल्लीगल एक्टिविटीज़ जैसे किसी को टॉर्चर करना है, किसी का मर्डर करना है, ओके, तो इस तरह की एक्टिविटी रेड रूम में होती है। और रेड रूम में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिटकॉइन में होते हैं, कोई कैश या NEFT वाले ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। सो रेड रूम में गलत काम होते हैं। रेड रूम में क्या होता है? रेड रूम में जैसे कोई बच्चे को किडनैप किया गया हो तो उसकी एक आँख, जैसे एग्जांपल है, जैसे उसकी एक आँख निकालने का एक बोली लगाई जाती है कि उसकी एक आँख निकालने पे $10 दूंगा, उसके पैर काटने पे $100 दूंगा। इस तरह की हैवानियत भरी एक्टिविटीज़ जो है रेड रूम में होती है, और लोग जो जिसमें जरा सी भी इंसानियत नहीं है, है ही नहीं, हैवान है, शैतान है, जो लोग वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, रेड रूम बंद क्यों नहीं होता? जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी तरह के क्राइम को हम अवेयरनेस के माध्यम से रोका जा सकता है, क्राइम पूरी तरह से हट नहीं सकता, तो रेड रूम के लिए भी साइबर अटैक, जो उसकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से जो स्पेशल टीम है जो इसको मॉनिटर करती है, अगर आपको पता है इंडिया में अगर कोई भी रेड रूम की साइट पे जाके अगर उसको मॉनिटर करता है या उसके IP आप उस साइट पे चला जाता है तो उसकी जो IP एड्रेस है वो साइबर पुलिस के माध्यम के द्वारा उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन तरफ पहुँच जाती है और वो आपके सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। तो गलती से भी ऐसी कोई भी रेड रूम के लिंक पे नहीं जाइएगा, बिकॉज अभी सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और आप पे ज़रूर नज़र होगी अगर आप रेड रूम के कोई भी तरह की साइट पे जाते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि US में सम FBI एक्सपर्ट गो अंडर कवर जाते हैं, अंडर कवर एजेंट्स होते हैं जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ और साइट्स पे जो विजिट करते हैं उन पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होती है। इंडिया में 5 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया था, 1400 LHD वर्थ ₹70 लाख जिनको पकड़ा गया था, उन्होंने बिटकॉइन के द्वारा ये ट्रांजैक्शन किया था। US में उनका एक सिंडिकेट मेंबर था जो डार्क वेब की तरह ये डील कर रहा था और उन्हें कम्युनिकेशन दी गई थी कि ये इस तरह से खरीदे। सो यस, ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती है। तो इस तरह से रेड रूम पे गलत एक्टिविटीज़ होती है जिस पे ऑलरेडी मॉनिटरिंग चल रही है, लेकिन ये वीडियो शेयर करने का मेरा यही पर्पस था कि
कि डार्क वेब का ये जो रेड रूम का एक हिस्सा है जिसके माध्यम से गलत एक्टिविटीज़ होती है, और जो मैंने वीडियो आपको बताया बिगिनिंग में, उससे यही समझना है कि फैक्ट्स क्या है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। मैंने सिर्फ छोटी सी कोशिश की है कि डार्क वेब का एक जो हिस्सा है रेड रूम, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और यस, गलती से भी उस ऐसी कोई भी वेबसाइट को आप एक्सप्लोर मत कीजिएगा, क्योंकि वो इलीगल है और वो मॉनिटर होता है और फिर आप सर्विलेंस पे आओगे। तो ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर बीइंग विद हनी एंड टेक। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग, गुड नाइट।